हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेटर में। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड की ओर से चार बड़े नोटिफिकेशन निकाले गए हैं, जिनमें दो नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनमें एग्जामिनेशन डेट्स दी गई हैं, और दो नोटिफिकेशन में जो है दो पोस्ट कोड के लिए जो है आपका रोल नंबर लिस्ट जारी की गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, तो उससे पहले इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्लस अगर आपका कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो एचपी जीओआईटी के लिए हो, एचपी कांस्टेबल या एचपी कोऑपरेटिव बैंक के लिए, या फिर कोई भी हिमाचल प्रदेश का सब इंस्पेक्टर का रहता है, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो, तो आप जो है परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके यहां से टेस्ट सीरीज ले सकते हो। तो यहां पे आपको क्या करना है कि 50% अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आपको ये कूपन कोड लगाना है। इस कूपन कोड को लगा के जो है आपको 50% डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऐप का, वहां से आप इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, फर्स्ट नोटिफिकेशन इज़ अबाउट जूनियर स्केल स्टीनोग्राफर। यहाँ पे पोस्ट कोड आपका 773 है, और आपका जो एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे दी गई है 12 दिसंबर 2020 इवनिंग सेशन में आपका एग्जामिनेशन होगा, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो भी बताई गई है। प्लस टू आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू, और आपकी जो एज है 18 to 55 होनी चाहिए। ओके, 18 to 45 होनी चाहिए। तो बाकी के तीन नोटिफिकेशन है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो गाइस, सेकंड नोटिफिकेशन इज़ अबाउट फार्मासिस्ट एलोपैथी। पोस्ट कोड इसका 777 है, और यहाँ पे जो इसका एग्जामिनेशन होगा ये भी 12 दिसंबर 2020 को होगा, और ये मॉर्निंग सेशन में होगा। तो इवनिंग वाला जो है स्टीनोग्राफर के लिए है, तो मॉर्निंग वाला जो है फार्मासिस्ट एलोपैथी के लिए है। प्लस इन्होंने भी अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिक्लेयर की है कि आपके पास प्लस टू होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से, प्लस आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी से, प्लस आपके पास जो है किसी भी रजिस्टर्ड फार्मेसी काउंसिल से जो है आपका सर्टिफाइड होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो स्टेट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो। ओके, तो ये जो है नोटिफिकेशन आपको एलोपैथी से रिलेटेड मिलती है, प्लस बाकी की दो नोटिफिकेशन है उन्हें भी डिस्कस। गाइस, ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑपरेटर एग्जामिनेशन को लेकर है। पोस्ट कोड इसका 784 है, प्लस इसका एग्जामिनेशन जो होगा आपका 12 दिसंबर 2020 को होगा मॉर्निंग सेशन में। मॉर्निंग सेशन कौन सा, 10 से 12 बजे तक के। ठीक है, और यहाँ पे 9 बजे आपको रीच करना है, यानी कि एक घंटे पहले। और अगर आप यहाँ पे कैंडिडेट्स की लिस्ट देखें तो किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो भेजा गया है ये रोल नंबर, और टोटल 719 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया गया है एग्जामिनेशन सेंटर में। तो अपना नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। इन सभी जो आपके पीडीएफ रहती हैं इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट का नोटिफिकेशन है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, लास्ट नोटिफिकेशन जो है ये है आपका वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के लिए, इलेक्ट्रिकल पोस्ट है ये, और 791 जो है यहाँ पे पोस्ट कोड रहेगा, और 12 दिसंबर 2020 को इसका भी एग्जामिनेशन है। प्लस आपका ये एग्जामिनेशन जो होगा इवनिंग सेशन में होगा 2 से 4 बजे के बीच में। रिपोर्टिंग टाइम जो है गाइस इसका 1 बजे का है। प्लस आप यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट की लिस्ट देखें तो टोटल कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं 465। तो 465 कैंडिडेट्स को यहाँ पे रोल नंबर भेजे गए हैं। आपको क्या करना है कि वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना यूजर नेम प्लस पासवर्ड डालना है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड। ओके, प्लस आपको तीनों के चारों के पीडीएफ के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।